अरे ये का, अरे भाई ड्रोन आया, शिट मैन। अबे यार भाई ये क्या ड्रोन है भाई। अरे यार मैं ऐसे तो मर ही जाऊंगा भाई। सो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे यार आप सभी लोग, स्वागत है एक और नए एपिसोड में अंकल जैनी के। तो कैसे यार आप सभी लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो भाई नाइट टाइम हो गया है, और उसके अलावा गाइस मैंने यहाँ पे जो मेरे मॉफ फार्म के जितने भी लैसो थे वो सारे के सारे ब्रेक होने वाले थे, तो भाई मैं इनको वापस से रिपेयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा गाइस हमने लास्ट एपिसोड में भाई ये सूट बनाया था जो कि रबर सूट है, प्रोटेक्टिव सूट पार्ट, मतलब ये पार्ट है एक सूट का। तो इसका मतलब मुझे बाकी का सूट भी जो है गाइस कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये उस सूट का पार्ट है, यानी कि ये उसके अंदर का इनर हो सकता है। आपको क्या लगता है यार? और गाइस मैंने यहाँ पे थोड़े से आइटम फ्रेम बनाए हैं भाई, और ये आइटम फ्रेम मैं लगाने वाला हूँ इन चेस्ट पे, क्योंकि गाइस मैं बार बार कन्फ्यूज हो जाता हूँ भाई कौन सा किसका है। और अब मैं ये सेटअप करने वाला हूँ कि भाई कौन सा किसका बॉक्स है। तो इसमें स्ट्रिंग है तो मैं बाहर स्ट्रिंग लगा दूंगा एक। और गाइस यार सब लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई आपके इसमें एंडर पर्ल्स जो है वो स्टैक्स में है, तो भाई इसमें सच में स्टैक्स में, इसमें 16 के स्टैक्स नहीं होते, इसमें 64 के स्टैक्स होते हैं, ये मोडेड है। और इसमें भी एंडर पर्ल है। व्हाट द हेक, ओ माय गॉड, ये क्या भाई, अबे छोड़ तेरी ऐसे के तैसे, भाग यहाँ से, भाग भाग भाग। अबे मुझे स्लोनेस दे दिया इसने तेरी। अच्छा अब ये मरेगा, मर गया। ओ भाई ये मेरे को लेके जा रहा था, और यहाँ पे गाइस स्लोनेस आ रहा है। और यार मुझे सच में नहीं पता यार ये वाला बार किस चीज़ का आ रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, मुझे सच में नहीं पता गाइस ये बार किस चीज़ का है भाई। और यार गाइस आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये बारिश हो रही है ना जो, और मैं इस बारिश में चल रहा हूँ ना, तो मतलब पानी की आवाज़ आ रही है जैसे कोई पानी में चल रहा हूँ मैं। देखो यार ये बहुत ही यार मतलब बहुत रियलिस्टिक है यार ये, देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पानी में चल रहा हूँ, पानी भरा हुआ है घास पे, और चिप चिप की आवाज आ रही है यार, मतलब बहुत ही सही है यार ये चीज, एकदम रियलिस्टिक बना देती है इस गेम को। सो गाइस ये हमारा लास्ट लैसो है मॉब फार्म का, एंडरमैन का। अब इसको कंप्लीट करके सबसे पहले हम सोने जाएंगे, और फिर उसके बाद जाएंगे गाइस हम एक्सप्लोरिंग के लिए। और ये हमारा लास्ट एंडरमैन का लग गया, तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। सो गुड नाइट बॉयज, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो यार सभी लोग, सुबह हो गई मामू। तो चलो भाई अभी गाइस सुबह हो गई है, बारिश भी रुक गई है। सो गाइस एवरीथिंग इज रेडी गाइस, बैग मैंने अपना पूरा खाली कर लिया है भाई। और उसके अलावा गाइस हमारे पास ये वाला आर्मर था भाई, जो कि बड़ा ही अजीब सा दिखता है। और गाइस ये एक सूट का पार्ट है, देखो इसमें लिखा हुआ प्रोटेक्टिव सूट पार्ट, तो हमें भाई कोई सूट है जिसको कंप्लीट करना है, तो भाई देखेंगे यार इस सूट के ऊपर हम क्या पहन सकते हैं यार। तो गाइस यार इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ भाई कि इसके ऊपर आप कोई सूट डाल सकते हो, या फिर इसको किसी के साथ कंबाइन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ इसके अंदर। बस ये इंचेंटमेंट दी हुई है जो कि दिखाई हुई है कि इसमें क्या क्या डाल सकते हैं हम। तो गाइस यार हम एक ओपीसी स्वॉर्ड बनाते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं भाई इस स्वॉर्ड का हमारा जो डैमेज है वो 6 का है, बट हमें एक स्वॉर्ड मिलेगा जिसके अंदर जो कि हम इजीली बना सकते हैं, यानी कि मैग्नाइट की स्वॉर्ड हम बना सकते हैं जिसका अटैक डैमेज भाई 15 का है। तो मैग्नाइट तो मेरे पास है भाई यहाँ पे, तो हम बना लेते हैं एक मैग्नाइट की स्वॉर्ड, इसको टेस्ट करेंगे हम कि ये कितना बढ़िया काम करती है। तो मैग्नाइट की स्वॉर्ड आ गई हमारे पास, और वापस से हम एक मैग्नाइट की पिकेक्स भी बनाते हैं भाई, पिछली जो पिकेक्स है वो हमारी टूट गई थी, और एक पिकेक्स भी बना लेते हैं हम मैग्नाइट की। ओके और डायमंड की पिकेक्स को एज ए बैकअप के लिए हम रख लेते हैं इसमें, ठीक है। चलो भाई अभी मैग्नाइट की स्वॉर्ड और मैग्नाइट की पिकेक्स हमारे पास आ गई है भाई, और हम इस आयरन की स्वॉर्ड को भी बैग में रख लेते हैं इन केस ऑफ बाद में काम आएगी हमारे। और यार इस सूट को भी टेस्ट करेंगे हम कि भाई ये क्या सूट है और क्या इसका काम है। और भाई चलो इसको तो वहीं यूज़ करेंगे हम जहाँ से हम रबर लेके आए थे, और देखेंगे कि भाई आज हम कुछ रोबोट वोबोट को मार पाते कि नहीं मार पाते अपने इस योयो से। वैसे यार बहुत पावरफुल है वहाँ के रोबोट्स। और एक चीज़ और यार गाइस, मुझे सब लोग बोल रहे थे भाई ये जो रूप है ना ये आप बदल सकते हो, बस आपको जो आपकी की है ना वो सेट करनी होगी। तो चलो यार मैं एक बार देख लेता हूँ इसकी की सेट हो जाती है कि नहीं हो पाती, और हम कोई रूप जो है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो फाइनली गाइस मैंने भाई पता लगा लिया कि आत्मा किस तरीके से चेंज करी जाती है,
तो गाइज़ मैंने ब्रैकेट की पे जो ये सेलेक्ट कर दिए हैं, और अभी भाई मैं किसी की भी आत्मा बदल सकता हूँ। और यार जो मेरा पर्सनली फेवरेट है भाई, ये है ये गोलम, ये देखो गाइज। ओ भाई, अरे यार लेकिन ये कितना स्लो है भाई, लेकिन इसका हेल्थ बार तो देखो भाई, ब्लू हार्ट है गाइज, मतलब मुझे 3 लाइनें मिली हैं, 1 2 3, हाँ मुझे 3 लाइनें मिली है भाई हार्ट्स की। मतलब ये स्लो तो है लेकिन यार इसका पावर देखो भाई, कितना हाई फाई है यार। और अगर मैं एक बार इस स्पीड पैट को यूज़ करके देखूँ तो क्या इसका स्पीड बढ़ेगा भाई? स्पीड पैट के बाद भी इसका स्पीड बिल्कुल मरा हुआ है यार, मतलब नॉर्मल प्लेयर जितना भी स्पीड नहीं हो रहा है इसका। लेकिन गाइज आप लोगों को पता है कि जो आयरन गोलम होता है उसको फॉल डैमेज नहीं पड़ता, तो हम इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो आयरन गोलम का आइडिया बेकार था यार, और मैं डायरेक्ट भाई अपने रियल रूप में भी आ सकता हूँ, मैंने की सेटअप कर लिया। बट गाइज यार मुझे एक की सेटअप नहीं करना आ रहा है कि यार मैं इनका पावर किस तरीके से यूज़ करूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा यार। जैसे ये उड़ते उड़ते हैं ना, तो आई थिंक हम फ्लाइट नहीं कर सकते, फ्लाई नहीं कर सकते। आई थिंक फ्लाई करने के लिए भाई हमें शायद एंडर ड्रैगन को मारना होगा, तभी हम जो है फाइट कर सकते हैं। और भाई इसका जो चेहरा है वो मतलब इनविजिबल है इसका चेहरा, देख रहे हो आप? अरे ये कौन आ गया मेरे पीछे, व्हाट द हैक, टर्न विलेजर, व्हाट, ये कौन है भाई, हट हट। ओ भाई इसको, भाई चलो इसकी पावर भी मिल गई हमें इसको यार, मतलब इसको नॉक बैक नहीं हो रहा था यार। और भाई मुझे कुछ अच्छा सा रूप लेना होगा यार, जैसे कि मैं एंडरमैन्स का ले सकता हूँ। ओ भाई एंडरमैन्स की पावर देखो भाई, गोल्डन हार्ट मिले हुए मुझे सब। बट यार एंडरमैन भी थोड़ा सा, नहीं यार एंडरमैन स्लो नहीं है, ये ठीक है। और यार ये स्वॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है भाई। और यार ये मुझे क्रीपर तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए भाई यहाँ पे। तो यार एंडरमैन बहुत सही है, इसकी हाइट कितनी अच्छी है यार, देखो मैं किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे इजीली चढ़ पा रहा हूँ भाई। तो यार मैं एज ए एंडरमैन प्ले कर सकता हूँ भाई, तो यार ये क्या सही लग रहा है भाई। लेकिन यार मुझे पानी से डैमेज होगा, मैं चेक करना चाहता हूँ। यस मुझे पानी से डैमेज हो रहा है भाई। तो यार चलो देखते हैं हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाते कि नहीं कर पाते अपने उस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड का नाम है भाई मिस्टी वर्ल्ड। तो यार वहाँ की चीज़ें मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो यार अभी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं। यार अरे ये क्या हुआ भाई, अरे यार बारिश आ गई, शिट। ओ भाई अभी मैं मर जाता अगर मैं अपना रूप चेंज नहीं करता तो। यार चलो वैसे हमारे पास इंस्टेंट हेल्थ का जुगाड़ है। और बाकी यार ये स्वॉर्ड का इतना जल्दी ड्यूरेबिलिटी कैसे कम हो गया यार, मतलब ये स्वॉर्ड का बहुत जल्दी ड्यूरेबिलिटी कम हो रहा है यार, मतलब ये स्वॉर्ड ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक बार और मैं इसको चेक करना चाहूँगा, सामने कोई है क्या? ओह सामने एक ज़ॉम्बी है, चश्मा पहना हुआ है उसने। चलो उसका चश्मा छीनते हैं अपन। कहाँ गया, इधर ही तो था ये रहा। ओ भाई इसका ड्यूरेबिलिटी नहीं है गाइस, इस स्वॉर्ड का कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है अच्छा सा, तो इसका मतलब इसका पिकैक्स भी कोई खास नहीं होगा। तो गाइस हमें भाई ये वाला स्वॉर्ड से काम नहीं चलेगा गाइस, तो चलो भाई चलते हैं सीधा। सो गाइस मिस्ट डायमेंशन में भाई मैं आ गया हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ भाई अपने वहीं पर ही, इंसानों ने तबाही मचाई हुई थी, और देखेंगे भाई वहाँ पे हमें क्या मिलता है। चलो वेट अ मिनट गाइस, ये क्या चीज़ है भाई, ये कोई मुझे रैंडमली स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पे। तो यार एक बार इस स्ट्रक्चर में देख लेते क्या है भाई, और इसके ऊपर पेड़ वेड़ टूटे पड़े हुए हैं, आई डोंट नो क्या है भाई यहाँ पे। और मुझे बहुत सारे रेड रेड मार्क दिख रहे हैं मैप के अंदर, और मुझे लगता है भाई इसमें डेफिनेटली बहुत सारे मॉब्स हैं। और तो यार इसका रास्ता मुझे शायद ऊपर से जाना होगा, क्योंकि नीचे से तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है भाई। और यहाँ से इसका रास्ता आई थिंक ये कोई डंजन टाइप लग रहा है मुझे, बट इसके अंदर जाने का रास्ता मुझे कहीं से नहीं दिख रहा भाई। तो शायद यही है इसके अंदर जाने का रास्ता, शायद हमें तोड़ के जाना पड़ेगा। ओके और अंदर मुझे, अरे भाई 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 ये क्या है भाई, अंदर मुझे गाइस गोल्ड के ब्लॉक दिख रहे हैं और एमरल्ड के ब्लॉक दिख रहे हैं, और मुझे लगता है गाइस यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। तो यार ये तो, ये क्या हुआ गाइस, वो तो टूट भी गई यार, मतलब यार सबसे घटिया ड्यूरेबिलिटी वाली पिकैक्स थी यार वो, लेकिन पावरफुल थी भाई। तो ओके गाइस मुझे फायर चाम मिला है भाई, होली क्रैप गाइस यही तो चाहिए था भाई मुझे, फायर चाम मिला मुझे गाइस। अब मुझे भाई फायर का डैमेज नहीं पड़ने वाला। एंडर विंग्स प्राइम, टेलीपोर्ट योर पर्सनल स्पॉन पॉइंट, ओके भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है यार ये तो।
ये तो डलने दो यार। और ये क्या भाई, बुरी ट्रीजर मैप। ओके गाइस, मुझे एक ट्रेजर मैप भी मिला है और यहाँ पे मिस्टीरियस टोकन फ्रेगमेंट। भाई ये टोकन बहुत रेयर होते हैं गाइस, और अपने को मिल गया भाई, नाइस। और देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या है, और इसमें क्या है, एंटीडोट चाम। ओके, एयर चाम। भाई क्या क्या मिल गया मुझे, इतने सारे चाम मिल गए मुझे, नाइस भाई। ये चाम तो बिल्कुल परफेक्ट मिले हैं मुझे, और एक मुझे हार्ट कंटेनर मिला है, तो मैं अपना एक हार्ट बढ़ा सकता हूँ परमानेंटली। ओके बढ़ा, शायद खाना खाना पड़ेगा, हाँ बढ़ गया, यस। तो भाई ये चीज़ भी सही है, और ये क्या भाई, कंटेमिनेटेड फूड। ओके, और भाई सबसे बढ़िया चीज़ तो मुझे टोकन मिल रहेगा, जिससे भी एक पोर्टल ओपन होता है भाई इन टोकन से, बाद में दिखाएंगे आप लोगों को, बट पहले मैं यहाँ के सारी चेस्टें लूट लूँ भाई। एक और क्या है ये, फायर चाम। ओके, एक और फायर चाम मिला मुझे, और ये एक और मिला है मुझे रिंग, और तो भाई लास्ट चेस्ट एयर चाम मिला मुझे एक और, नाइस। इसको भी रखो, टोकन को भी रखो, और मुझे नीचे और लूट दिख रहा है गाइस, बट मुझे ये ट्रैप लगता है गाइस, और भाई मुझे ये नहीं पता कि क्या होने वाला है अब नीचे, तो मैं थोड़ा सा केयरफुली जाऊंगा गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे भाई धोखा नहीं खाना चाहता कुछ भी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। भाई साहब ये क्या है नीचे यार, ये वाइट वाइट से क्या है नीचे, ये व्हाट, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ये क्या है भाई, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, व्हाट द हैक। क्या ये एयर चार्म की वजह से हो रहा है, हाँ ये एयर चार्म की वजह से हो रहा था भाई। तो यार ये चाम बढ़िया है। और ये क्या चीज़ है, स्कल लालटेन। ओ ये लालटेन है, नाइस, सारे लालटेन ले लेता हूँ भाई मैं। थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा तो हो जाएगा लेकिन देखी जाएगी। और गाइस अब हम जो है थोड़ा खजाना देखने वाले हैं भाई अपना, तो भाई मैं तो सच बता रहा हूँ गाइस, अपना तो लॉटरी लगा है भाई यहाँ पे, सच बताऊँ तो। और यहाँ पे ओ भाई साहब फिर से इतने सारे चाम्स, व्हाट द हैक। ओ भाई एंशिएंट जेवलिन, भाई क्या क्या मिल रहा है ये मुझे, भाई भरो 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 फटाफट भरो। ओ भाई साहब करप्टेड चौरस फ्रूट, एक और हार्ट कंटेनर मिला मुझे, और ये क्या एंसेंट जेवलीस, पता नहीं क्या है ये, स्क्रैप जैम। भाई चीज़ें बहुत बढ़िया मिल रही हैं यहाँ पे मुझे। ओ भाई ये क्या है, मश हेल्म, एमरल्ड स्वॉर्ड एक और, और ये क्या है, टीवी का रिमोट मिला मुझे, टीवी रिमोट। ओ सच में टीवी रिमोट है ये, तो मैं तो मजाक कर रहा था भाई। और मैं ये हार्ट कंटेनर खाने वाला हूँ भाई, मेरा एक और हार्ट बढ़ जाएगा जिससे। और ये एक और ट्रेजर मैप, रेनबो ट्री टोकन, हॉर्स आर्मर, और ये हैट क्या है भाई, ये क्या है, कंट्रोल फॉर रिसीप फास्टर, व्हाट। ये तो भाई वैन इन हैड एसोसिएट टू स्लोवर। ओके जब मैं जंप मारूंगा तो ये मुझे स्लो करेगी थोड़ी सी, तो यार ये चीज़ तो फिर सही है। ये तो गाइस खजाना लगाया भाई अपने हाथ, बहुत तगड़ा खजाना लगाया अपने हाथ, सच बता रहा हूँ गाइस, मैं तो भाई पूरा हिल गया हूँ ये खजाना देख के सच में भाई। और ये चॉम देखो भाई कितने सारे मिल गए मुझे, ये क्या है, पाम फोसल। भाई ये सब चीज़ें मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी घर पे जाके, बट अभी मैं भाई खजाना चोरी करने वाला हूँ सारा का सारा पहले तो यहाँ से। और अभी तो और भी चेस्टें बाकी है भाई। ओ भाई मैटोक पिकैक्स 3x3, मतलब ये तीन चीज़ें एक साथ खोदेगी, देखो तीन ब्लॉक चार ब्लॉक एक साथ खोद रही है, और इसका ड्यूरेबिलिटी कितनी बढ़िया है भाई। ओ भाई स्पीड भी डला हुआ है इसमें, लूटिंग मिली भाई अपने को। और ये भाई बोन वाले आर्मर मिले मुझे एक, ये क्या है भाई, वाइप, पता नहीं क्या है, एक हंटर मिला है भाई। और ये सब चीज़ें अभी मैं रखने वाला हूँ भाई, इनको बाद में यूज़ करेंगे हंटर वगैरह वगैरह। तो चलो ये देखते क्या है भाई, और आई थिंक ये इतना ही है, चलो देखते क्या है ये। गोल्ड का ब्लॉक, एमरल्ड का ब्लॉक, नीचे भी कुछ है क्या, वैसे यार लालच बुरी वाला होती है। बाकी गाइस अपना तो भाई एकदम मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया है। तो अभी गाइस मैं ये जो मेरी इन्वेंटरी में चीज़ें हैं बैग में डालने वाला हूँ, और बैग भाई हमारा ठसा ठस भर गया है बिल्कुल, बहुत ही तगड़ी लूट मिली है भाई, और फालतू की चीज़ें तो फेंको यार। सो गाइस भाई हम पहुँच गए हैं यहाँ पे जहाँ पे हमें नीचे जाना है, और भाई अभी तो रात हो रही है यार, वैसे रात को तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी जगह। और मैं यार एक इसमें स्लो फॉलिंग वाला चाम था वो ले लेता हूँ मैं, कहाँ गया स्लो फॉलिंग चाम, चलो भाई अपना बारिश भी बंद हो गया है तो अब ये रविंग चाम। तो ये चाम क्या होगा भाई, मुझे धीरे धीरे गिराएगा अगर मैं गिर जाता हूँ तो।
तो इससे क्या होगा, मुझे भाई डैमेज नहीं लगेगा। देखो ऐसे करके बहुत इजी तरीके से मैं उतर सकता हूँ नीचे आराम आराम से, तो ये चीज़ बहुत सही रहेगी। और अभी देखना है भाई मैं नीचे कितना ज़्यादा सर्वाइव कर सकता हूँ, बाकी तो देखना रहेगा भाई। बाकी इन चार्म्स की भाई ड्यूरेबिलिटी होती है। और बारिश तो रुक गई है बट अंधेरा हो रहा है भाई, और डैमेज होगा मुझे यार, ये डैमेज तो मुझे अभी भी हो रहा है, लेकिन मेरा हेल्थ नहीं जा रहा है भाई। अब जा रहा है मेरा हेल्थ, तो यार मैं नीचे सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा भाई, व्हाट द हैक, मैं नीचे सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा अगर मेरा ऐसे ही हेल्थ जाता रहेगा। तो को थोड़ा आगे हो जाता हूँ मैं। ओके अभी देखते हैं भाई, ये स्पाइडर यहीं की थी और ये स्पाइडर यहाँ पे सर्वाइव कर पाते क्या नहीं, चलो देखते हैं। भाई पड़ रहा है, इसको भी डैमेज पड़ रहा है भाई, इसको भी डैमेज पड़ रहा है गाइस। तो भाई मुझे यहाँ पे कुछ अलग चीज़ चाहिए होगी यार। सो गाइस इसमें ये वाले मास्क होते हैं भाई, जैसे लेदर रेस्पिरेटर और आपका भाई ओपन लेदर रेस्पिरेटर और रबर रेस्पिरेटर और ओपन रबर रेस्पिरेटर, ये हमें बनाना होगा भाई, उसके बाद जो हम नीचे अच्छे तरीके से सांस ले पाएंगे। और इसके लिए चाहिए भाई नियोबियम इनगट, ये कौन सा इनगट है भाई, नियोबियम इनगट, और क्या ये हमें मिला है, मैं लूट में देखता हूँ। नियोबियम इनगट नहीं है हमारे पास भाई, नियोबियम इनगट नहीं है हमारे पास, तो एक बार ज़रा चेक करते हैं हम यहीं पर ही थोड़ा सा अंदर घुस जाते हैं, क्या हमें नियोबियम इनगट मिलेगा क्या। अबे भाई ये क्या माइनिंग है, व्हाट द हैक, ये इतना स्लो माइनिंग हो रहा है यार, मैं इस पिकैक्स से ट्राई करूँ एक बारी। ओ भाई इससे भी बड़ा ही स्लो हो रहा है, तो इसका मतलब भाई ये वाले पिकैक्स तो यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर हैं। आप देख रहे हो गाइस पत्थर तोड़ने में मुझे कितना टाइम लग रहा है भाई, अगर मुझे एक नियोबियम इनगट मिल जाए तो भाई काम हो जाएगा थोड़ा सा, बट यहाँ पे मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। अच्छा ये क्या है यहाँ पे, ये शायद हो सकता है, ओ ये नियोबियम और ही है भाई। ओके तो मैं इसको क्या हार्वेस्ट कर सकता हूँ, ओके हार्वेस्ट किया मैंने, बट ये नीचे गिर गया यार, क्या घटिया किस्मत है भाई। ओके यहाँ पे एक और है, हाँ ये रहा, तो मैं इसको कर लेता हूँ हार्वेस्ट। ओके मुझे एक मिल गया भाई, ओ नाइस, ये रहा नियोबियम इनगट, और इसको मेल्ट करना, अच्छा ये फर्नेस में मेल्ट हो जाएगा, तो हमें एक मिल गया, अगर मुझे एक से ज़्यादा मिल जाए तो भाई ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये कुछ अलग है, ओके ये क्या है, साल्ट पीटर, ये क्या बनता है भाई, सोप साबुन बनता है इससे, व्हाट द हैक, चलो बाद में देखेंगे इसको। तो बाकी हमें, अरे ये मिल गया मुझे और, ठीक है भाई तो दो हो गए मेरे पास, तो अभी चलते हैं भाई वापस घर की तरफ। और ये बन गया, ओके बन गए गाइस, तो स्ट्रिंग चाहिए होंगे मुझे, ये रही स्ट्रिंग, तो अभी बन जाएगा मास्क एक, मैं दो बना लेता हूँ इन केस ऑफ क्या पता हमें वहाँ पे ज़्यादा घूमना पड़ जाए, तो दो की ज़रूरत पड़ सकती है भाई हमें वहाँ पे। ओके कहाँ पहना इसने, आई डोंट नो कहाँ पहना इसने भाई, लेकिन पहन लिया इसने मुंह पे गाइस, इसने मुंह पे पहना ये मास्क। एक बारी मैं आपको ये उतार कर दिखाता हूँ, ये देखो गाइस कोरोना काल में भाई हम जा रहे हैं, वैसे गाइस ये कोरोना ही हो सकता है भाई जहाँ पे हम जा रहे हैं भाई, कोरोना फैलाया हुआ है इंसानों ने चारों तरफ, तो चलो चलते हैं भाई। सो फाइनली गाइस यार हम पहुँच गए हैं भाई अपने इस एरिया पे जहाँ पे हमें नीचे जाना है। और गाइस यार मैंने मुँह पे ना मास्क पहन लिया था, तो वैसे इसको इक्विप भी कर सकते हैं हम मास्क को, देखो इस तरीके से। और भाई उसके अलावा आप अपना बॉडी आर्मर भी पहन सकते हो, अब यहाँ पे मैं मास्क भी पहन सकता हूँ। और भाई ये मैंने सब चीज़ें पहन ली थी और मैं खाना नहीं खा पा रहा था भाई, फिर ये की सेटअप कर लेना इसका, ठीक है इसको माउंट बोलते हैं, तो माउंट पे आप की सेटअप कर लेना वरना आप खाना नहीं खा पाओगे ये पहनने के बाद। और ये इतना स्लो क्यों जा रहा है मेरा प्लेयर यार, यार मुझे तो अभी भी पड़ रहा है यार डैमेज, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, नहीं डैमेज तो नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ पड़ रहा है भाई डैमेज यार, व्हाट द हैक यार, फिर क्या पहन के आना है यहाँ पे यार। 70 years later.
सो गाइज यार मुझे पता चल गया भाई कि मेरा ये मास्क क्यों नहीं काम कर रहा है। तो गाइज इसके अंदर कॉल डलता है जो कि है फिल्टर कॉल, तो मुझे फिल्टर कॉल ढूंढना होगा यहाँ पे। फिल्टर कॉल देखो गाइज ये रहा फिल्टर कॉल, बट गाइज हम इसको माइन नहीं कर सकते फिल्टर कॉल को, क्योंकि माइन करने के लिए हमें पिकेक्स चाहिए होगा, ये वाला नियोबियम इनगट। ये नियोबियम इनगट से हमें पिकेक्स बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है हम इस कॉल को माइन कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हमें नियोबियम इनगट ढूंढना पड़ेगा भाई। ओ माय गॉड आ गया वो टारगेट लॉन्च। कहाँ है? ये रहा नीचे स्पाइडर। अरे दो दो आ गए भाई, ये दो दो आ गए। ओ भाई क्या टारगेट लॉन्च कर रहे हैं। ओके गाइस फाइनली मैंने इनको मारा भाई, टारगेट लॉन्च कर देते, नहीं तो इन्होंने तो भाई अपने होली क्रैप। ओह वहाँ पे सामने हैं थोड़े से, एक ये रहा, मुझे बस तीन चाहिए ताकि भाई मैं सो गाइस मेरे को चार मिल गए हैं भाई, और आई थिंक अभी बात बन जाएगी। और गाइस ये वाला बैग भाई मेरा पूरा भर चुका है, तो इस बैग को मैं यहीं रख के जाऊंगा और मैं एक और नया बैग बना लेता हूं भाई लूट के लिए। तो गाइस मैंने एक और बैग बना लिया है भाई। सो गाइस हम यहां पे आ गए हैं भाई। अब वो कॉल कहां पे था यार, वो कॉल निकाल रहा है मुझे। ये रहा वो कॉल। और यार मुझे एक टाइम पे क्या एक ही कॉल मिलेगा क्या ये, आई डोंट नो। हाँ गाइस देखो अब ये मुझे कॉल मिल गया, तो अब जब मैं इसमें शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ तो ये कॉल को मुझे इसके अंदर डालना होगा। और अभी इसके अंदर देखो भाई लेवल ऑफ पोल्यूशन 0%, ठीक है भाई। और गाइस अब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि भाई लेफ्ट साइड में जो बार आ रहा है मेरा ये किस चीज़ का आ रहा है, ये है पोल्यूशन का बार भाई, ठीक है। तो मेरे को पहले पता नहीं था भाई, तो अभी मैं नीचे जा पाऊँगा गाइस आराम से, बट मैं चाहता हूँ मुझे एक दो कॉल और मिल जाए यहाँ पे। तो भाई तीन कॉल मुझे मिल गए हैं भाई, तो अभी चलते हैं भाई नीचे की तरफ और देखते हैं यार कि भाई हमें डैमेज पड़ता है कि नहीं पड़ता। ओ एक कॉल इधर भी है, तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं यार ये कॉल तो जितने मिल जाए हमें उतने कम है भाई, क्योंकि नीचे जाके मेरे को पता है डेफिनेटली हमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा भाई। तो चलो देखते हैं भाई नीचे क्या मिलता है हमें इस वर्ल्ड में, मिस्ट्री वर्ल्ड में। अभी डैमेज तो नहीं पड़ने वाला मुझे 101%। और भाई खाना तो यार खा नहीं सकता मैं क्योंकि मुंह पे मास्क पहना हुआ है। देखो गाइस मुझे अब डैमेज नहीं पड़ रहा है भाई, नाइस। और ये नीचे ओ भाई रोबोट है नीचे लोल, और इन रोबोट्स पे क्रीपर बैठे हुए हैं भाई, ये बड़ा ही अजीब है गाइस और अनोखा भी है भाई। और क्या मुझे नाइट विजन मिल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं नाइट विजन तो नहीं मिल रहा भाई मुझे, वही मैं सोचूं। बट यार गाइस ये क्रीपर से मैं कैसे फाइट करूंगा, और ये रोबोट्स के ऊपर बैठा है भाई, और ये क्या है अजीब से भाई। भाई ये वर्ल्ड सच में मिस्टीरियस ही है, और डेफिनेटली मैं इनको मारने वाला हूं भाई सबसे पहले। तो चलो देखेंगे मैं इनको मार पाता हूँ क्या नहीं मार पाता। ओली क्रैप, अरे मैं इसको मार नहीं पा रहा हूँ लोल। अबे भाई शीट मैन, और मैं खाना भी नहीं खा सकता यार, यार ये तो बहुत ही दिक्कत हो गई। ओ भाई यार खाना कैसे खाऊंगा मैं अब, मुझे खाना खाने के लिए मास्क हटाना पड़ेगा हर बारी भाई, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई गाइस। मैं खाना मुझे ओपन वाला बनाना होगा, और यार इन क्रीपर से मुझे दूर रहना होगा, क्योंकि वो मशीन जो है ना उसको मैं मार नहीं पा रहा था भाई, वो बड़ी अजीब है। तो मुझे यहाँ पे भाई कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे मैं जा सकूँ, और यहाँ पे माइन करने के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। और भाई ये इंसानों के द्वारा बनाए गए रोबोट्स हैं भाई, जो कि मेरे को यहाँ पे जीने नहीं देंगे। ओ भाई साहब, ओ भाई क्या टारगेट लॉन्च कर रहे हो यार। अरे ये कहाँ, अरे भाई ड्रोन आया, शिट मैन। अबे यार भाई ये क्या ड्रोन है भाई, अरे यार मैं ऐसे तो मर ही जाऊंगा भाई। होली क्रैप, ये तो भाई आए ही जा रहे हैं भाई। मुझे लगता है गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ा पावरफुल बनना पड़ेगा,
क्योंकि मुझे डबल पावर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे डेफिनेटली गाइस। भाई इससे तो काम नहीं चलेगा इस नॉर्मल वाली पावर से। तो चलो यार, आई होप कि मुझे बहुत धीरे धीरे भूख लगे। भाई ये क्या क्या आ रहे हैं भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है भाई। अरे भाई आइस, इन्होंने तो एंडरमैन की भी हालत खराब कर दी है। हो भाई मुझे इस तरीके से खाना खाना होगा। और यार वो क्रीपर को क्या मशीन बांधी हुई है भाई, लेजर जैसी। तो यार गाइस मुझे यहाँ पे ढूंढने होंगे डंजन्स। अच्छा हुआ भाई मुझे चाम्स वगैरह मिल गए, वरना यहाँ तो भाई सरवाइव करना तो इम्पॉसिबल है। ओके गाइस मुझे सामने कुछ दिख रहा है, मुझे सामने कुछ आरवी जैसा कुछ दिख रहा है। तो उस आरवी में मुझे शायद लूट मिलेगी, जैसे कि मुझे लोग बाग कह रहे थे चैट में कि भाई आपको इसमें आपकी अपनी आरवी मिलेगी, जो कि चलो देखते हैं यार। अभी मैं कुछ बोलता नहीं हूँ भाई, ये फूड ना हो तो यार मेरा क्या हो यहाँ पे, सच बता रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता मेरा यहाँ पे अगर ये फूड ना हो तो, इंस्टेंट हेल्थ वाला। वैसे मुझे नॉर्मल रूप में आना पड़ेगा आपने, क्योंकि एंडरमैन तो, अच्छा एंडरमैन आ रहा है। ओके ये क्या है भाई, व्हाट द हैक, ये कुछ क्या मिला मुझे, अननोन स्कल्स। और ये क्या भाई, लेजर क्रीपर प्लाज्मा। ओके और यहाँ पे कोई चेस्ट वेस्ट है क्या, पहले मैं अपने नॉर्मल रूप में आ जाता हूँ। ठीक है भाई, तो देखो गाइस ये है इंसान, इंसानों की करतूत। यहाँ पे देखो ये पिंजरे वगैरह बनाए हुए हैं इंसानों ने अपने, और यहाँ पे वो रिसर्च करते थे भाई मॉब्स पे, और उन्होंने रिसर्च कर करके कुछ ऐसा ही कर दिया कि भाई अब क्या ही बताएं। यहाँ पे ये क्या है, प्रोपेगेंडा पोस्टर। ओ भाई वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वायलिन, अरे ये वायलिन क्या बजता है क्या। भाई ये बड़ी सैड ट्यून है यार सच में भाई, अरे भाई क्या यार। और यहाँ पे और है चेस्ट हैं भाई, देखो खजाना तो अपने को चाहिए भाई। और ये क्या है भाई, अरे भाई ये क्या आ गया, ये क्या है मॉन्की रेंच। ओ एक तलवार मिली मुझे, कैक्टस स्वॉर्ड, नाइस। सारा सामान आने दो भाई। राइट क्लिक टू थ्रो ब्लाइंड नियर बाई एनिमीज। अच्छा ये एनिमीज को ब्लाइंड करने के लिए होती है, तो ये तो बहुत सही चीज़ है यार। मतलब हम इस सैंड को जो एनिमीज के आंखों में डाल सकते हैं ऐसे ऐसे करके। भाई मैं वैसे ट्राई नहीं करना चाहता। और ये मुझे मारने के लिए बिल्कुल आया हुआ है आगे, क्या मैं इसकी आंखों में सैंड डाल सकता हूँ, नहीं डल रहा भाई। और दिन भी हो गया है भाई, इसको कैसे करके मारूँ, स्मोक बॉम्ब से मार सकता हूँ क्या, कुछ भी नहीं हुआ स्मोक बॉम्ब से तो यार। एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ओ भाई स्मोक बॉम्ब, व्हाट द हैक, ये स्मोक बॉम्ब तो बड़ा ही तगड़ा है भाई, देख रहे हो गाइस क्या स्मोक कर दिया भाई। अरे हाँ इसका हेल्थ है भाई, ये मरा, नाइस। हो भाई मिल गया मुझे इसका आत्मा, और यहाँ पे कुछ और भी है। सो गाइस यार हमने भाई काफ़ी सारी जो आरवी है वो एक्सप्लोर कर ली है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं भाई। देखो गाइस हमने कितनी सारी आरवी एक्सप्लोर कर ली है, एक और दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब बहुत सारी गाइस हमने आरवी जो एक्सप्लोर कर ली है। और बहुत सारे भाई लूट तो देखोगे ना भाई, लूट तो हिल जाओगे आप देख के, देख रहे हो कितनी सारी लूट है भाई। और एक ये अजीब से गोगल भी है अपसाइड डाउन, ये भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और ये क्या भाई सॉलिड एंडर आई, ओ माय गॉड भाई क्या क्या चीज़ें मिल गई भाई हमें, बहुत सारी चीज़ें मिल गई गाइज हमें। और भाई अब हम जाने वाले हैं थोड़ा ऊपर की साइड, क्योंकि यार खाना खाए भी बहुत टाइम हो गया हमें, और भाई हमें अपने हार्ट भी रीजनरेट करने हैं। और अभी चलते हैं हम ऊपर की तरफ, और भाई ये मास्क मैं अपने मुँह से हटाने वाला हूँ, और ये कॉल भी ख़त्म होने वाला है अगर आप देख रहे हो तो। भाई वो रेड दिखा रहा है, इसका मतलब बहुत जल्दी हमें डैमेज पड़ना शुरू होने वाला है। और मैंने सुना भाई जितना मिस्टीरियस ये वर्ल्ड नीचे से है ना, उतना ही मिस्टीरियस ये वर्ल्ड ऊपर भी है। तो जैसे कि आप लोगों को देखा था, आप लोगों को कितनी सारी लूट मिली थी हमें भाई अभी थोड़ी देर पहले एक डंजन में, तो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता हमें। और भाई ऊपर आते के साथ शायद एक और आरवी दिखी है मुझे। पहले तो भाई मैं अपना मास्क जो है ये हटाने वाला हूँ, क्योंकि खाना खाने में बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। ओके तो अभी चलते हैं भाई,
और मैं इन स्केलिस से तो दूर ही रहूंगा अभी के लिए। और ये क्या है भाई, व्हाट द हेक, अबे इतने सारे। ओके गाइस, तो भाई इनसे कुछ अजीब सा चीज मिल रहा है यार ये। और गाइस ये वो जगह है भाई, और इस पे दरवाजा लगा हुआ है, और इस दरवाजे को मैं खोल नहीं सकता, व्हाट द हेक। और ये कुछ अजीब सा ही दिख रहा है, और यहाँ सामने एक आरवी भी दिख रही है मुझे। ओके तो चलो देखते हैं आरवी में क्या है भाई। ओके इस आरवी पे भी डोर लगा हुआ है यार, तोड़ना पड़ेगा ये डोर मुझे। यार ये डोर तो टूटते भी नहीं है यार, इतने पावरफुल डोर है ये सच में। ये रस्टी डोर है भाई, कोई बहुत पावरफुल था यार। और वही भाई, वैसे ये मुझे पहली आर्मी मिली है जो बिल्कुल सुरक्षित है, मतलब एकदम साबुत है यार, ये कहीं से भी टूटी नहीं हुई। बाकी ये ट्यूबलाइट तो टूटी हुई है यार यहाँ की। ओके और एक ब्लूप्रिंट है, कटाना। ओके ये मिला मुझे एक, ठीक है भाई। इससे हम किसी भी जानवर पे बैठ सकते हैं भाई बिना सैडल के, सही चीज़ मिल गई वैसे अपने को। ब्लूप्रिंट तो चाहिए नहीं यार, ऑलरेडी ब्लूप्रिंट हमारे पास बहुत सारे हो चुके हैं। ये सही है, ये सही है। ओके ठीक है भाई, और क्या है इसमें, आई थिंक और कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। ओके नाइस, ठीक है। व्हाट इन द हेक, अरे भाई ये दरवाजे तो खुलते नहीं हैं, ये देखो, लेकिन ये इस रेंच से खुल गई। ये कौन सा है, मॉन्की रेंच, ओपन द डोर फ्रॉम अदर साइड, व्हाट। अरे भाई ये रेंच यार पहले क्यों नहीं यूज किया मैंने यार। और भाई ये क्या है भाई नीचे यार, ओ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत तेज उतर रहा है सीढ़ियों से नीचे। और ये ओ भाई अंधेरा हो गया, और ये नीचे फॉग। ओके समझ गया, अब मुझे डैमेज लगेगा। ओके तो मैं नीचे अभी नहीं जा सकता भाई, तो मुझे मास्क पहनना पड़ेगा वापस। बट यार यहाँ पे फ्लोर बनाए गए हैं, ये देखो मैं फ्लोर के अंदर जा सकता हूँ भाई। और ये क्या है, रेड से कलर की लाइट जैसे ऑपरेशन थिएटर में होती है। ओके और ये क्या है भाई, ये भी कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ सर्किट बोर्ड वगैरह है, और ये लीवर है, बट इस लीवर को दबा नहीं सकते हम। और यार मुझे कुछ आवाज़ आ रही है भाई, बड़ी अजीब सी यार। तो गाइज़ यार ये वर्ल्ड तो भाई बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है गाइज़। और जिस लैब की बात कर रहा था ना मैं, ह्यूमन लैब, जहाँ पे भाई आदमियों ने मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है, और जहाँ पे ये रोबोट्स वगैरह बनाए गए थे, आई थिंक वो यही वो लैब है भाई। और ये बहुत सीक्रेटली मिली है भाई हमें, और मुझे पता नहीं था यार यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता भी होता है गाइज़। तो यानी कि गाइज़ हमें वो चीज़ मिल गई है भाई जिसके हमें तलाश थी। बट ये चीज़ गाइज़ हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई अभी मैं यहाँ पे चेयर पे रेस्ट करने वाला हूँ थोड़ी देर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम घूम लिए भाई मिस्टी वर्ल्ड में। तब भाई हम एक्सप्लोर करेंगे इंसानों द्वारा बनाई हुई इस लैब को, देखते हैं भाई उसमें ये क्या एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे कि आप देख रहे हो भाई अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, तो भाई एक्सपेरिमेंट भी खतरनाक ही होंगे। तो देखते हैं भाई क्या इंसानों ने कोरोना वायरस की दवाई बनाई, या फिर और भी ज़्यादा फैला दिया। और आप लोग यार अपना प्यार दिखाओ, लाइक्स करा करो यार, थोड़े 100K करवा दो भाई दिवाली से पहले, या दिवाली तक यार गिफ्ट दे दो मुझे भी, शेयर वगैरह कर दिया करो। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग गाइस, मज़ा आ गया भाई। नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। और भाई जो वो पीछे जो घर देखा था ना हमने बाहर, उसमें भी ये डोर लगा हुआ है, रस्टी डोर, उसको भी खोल लेंगे अब हम। और उसमें भी गाइस बेसमेंट होगा 100%, और भाई लूट तो देखने लायक होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस बाय, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।